हेलो बच्चों, अमन एक इमारत की छत पर खड़ा है। वो वहां से अपनी बहन खुशी को सड़क पर देखता है। खुशी ने भी अमन को छत पर खड़े देख लिया। ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के इस्तेमाल से हम पता कर सकते हैं कि खुशी इमारत के आधार से कितनी दूरी पर है। मान लिया उस इमारत की लंबाई 60 मीटर है। त्रिभुज को देखिए, अमन खुशी की तरफ नीचे की ओर देख रहा है। उसकी नजर खुशी पर पड़ते वक्त इमारत के साथ एक कोण सी बना रही है। खुशी अमन की तरफ ऊपर देख रही है। उसकी अमन पर पड़ती नजर जमीन के साथ दूसरा कोण ए बना रही है। दोनों कोण ए और सी अलग होंगे, इसलिए उनका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात भी अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कोण के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अलग होता है। ठीक है, यहां हमारा लक्ष्य ए बी पता करना है, यानी खुशी इमारत से कितनी दूरी पर खड़ी है। अगर अमन अपने नजरिए से सवाल हल करे, यानी कि कोण सी लेकर, तो टैन सी बराबर ए बी बाय बी सी। टैन सी बराबर ए बी बाय 60 ए बी इक्वल टू 60 इंटू टैन सी। और अगर खुशी अपने नजरिए से सवाल को हल करे, यानी कोण ए लेकर, तो होगा टैन ए इक्वल टू बी सी बाय ए बी। टैन ए इक्वल टू 60 बाय ए बी। ए बी इक्वल टू 60 बाय टैन ए। ए बी का मान तय है, वही आएगा चाहे आप जैसे भी निकालें। तो 60 इंटू टैन सी इक्वल टू 60 बाय टैन ए, यानी टैन सी इक्वल टू 1 बाय टैन ए होगा। पर 1 बाय टैन ए इक्वल टू कॉट ए होता है, यानी टैन सी इक्वल टू कॉट ए होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कोण ए और कोण सी पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि उनका योग 90 डिग्री है। पर इनका योग 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि कोण बी 90 डिग्री है और त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 180 माइनस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस सी। जब हम कोण बदलते हैं तो नजरिया बदल जाता है, यानी तब सामने वाली भुजा बगल वाली भुजा बन जाती है और बगल वाली भुजा सामने वाली। अगर हम भुजाओं को टेंजेंट के हिसाब से बदलें तो वो को टेंजेंट बन जाता है। देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि हमने कोण बदल दिए हैं। इसी तरह साइन को साइन बन जाता है और को साइन साइन बन जाता है। इसे समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज एबीसी के पूरक कोण ए और सी को लेकर उदाहरण से समझते हैं। साइन ए इक्वल टू कॉस सी, कॉस ए इक्वल टू साइन सी, टैन ए इक्वल टू कॉट सी, कॉट ए इक्वल टू टैन सी, सेक ए इक्वल टू कोसेक सी, कोसेक ए इक्वल टू सेक सी। इससे हमें क्या मदद मिलेगी? लंबाई या दूरी पता करते वक्त आप इसी तरह नजरिया बदल कर आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल हल करने के लिए कोण सी का टेंजेंट लें और उसका कोण बदल जाए, तो आप उस कोण का को टेंजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो अभी के लिए इतना ही।